Subscribe Ze Hindustan and hit the bell icon to never miss any update. तो कर्नाटक का किंग कौन बनेगा, इस पर पेंच अब भी फंस गया है। फाइनल टैली में बीजेपी 104 सीटों पर जाकर रुक गई है, ये बहुमत के आंकड़े से 8 कम है। और दूसरी तरफ 78 सीट जीतने वाली कांग्रेस ने 38 सीटें जीतने वाली जेडीएस को समर्थन दे दिया है। यानी बीजेपी कांग्रेस जेडीएस गठबंधन जो यहां पर है, अगर अलग अलग करके देखें तो बीजेपी 104 है, कांग्रेस जेडीएस गठबंधन दोनों ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का अपना अपना दावा यहां पर पेश किया है। इसी बीच आज बेंगलुरु में बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है। इस बैठक में बीएस येदियुरप्पा को नेता चुना जाएगा। आज होने वाले बीजेपी विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान को ऑब्जर्वर बनाया गया है। तो बेंगलुरु में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। बीएस येदियुरप्पा क्या कुछ कह रहे हैं सीधा रूप, तो इस बैठक में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना जाएगा उन्हें, और कांग्रेस विधायक जो है आगे की रणनीति यहां पर तय करेंगे। इस बीच सरकार बनाने को लेकर देर रात बेंगलुरु में कांग्रेस और जेडीएस विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के सिद्धरमैया, गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, डीके शिवकुमार और जेडीएस की तरफ से पूर्व पीएम देवेगौड़ा और उनके बेटे कुमार स्वामी मौजूद थे। दरअसल कर्नाटक का किंग कौन बनेगा, ये सस्पेंस, ये पेंच अब भी बरकरार है। सरकार बनाने का दावा भले ही बीजेपी की तरफ से सामने आ रहा हो, कांग्रेस जेडीएस एक दूसरे का समर्थन करते हुए आगे बढ़ने की बात कही कर रही हो, लेकिन अब भी जरूरत है किस तरह का ये पूरा पेंच यहां पर सामने आता है। आइए आपको कर्नाटक के सियासी आंकड़ों के जरिए ये पूरा गणित समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल यहां पर ये समझे, कर्नाटक का किंग कौन, बीजेपी 104 सीटें यहां पर मिली है, 8 विधायकों की जरूरत बहुमत के लिए नजर आती है क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 112 है। बीजेपी ने कर्नाटक की इन सीटों में 104 में जीत हासिल की है, पर अब भी 8 विधायकों की जरूरत बीजेपी को यहां पर है। कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस 78 सीटों को जीतने में काबिज हुई है, जेडीएस के पास 38 है। ऐसे में अगर कांग्रेस जेडीएस को समर्थन दे रही है तो बहुमत का आंकड़ा 113 यहां पर होता है, यानी कि बहुमत से 4 ज्यादा यहां पर है, कुल 116। और उसके बाद देखिए बीजेपी 104 है, कांग्रेस 78 है, जेडीएस के पास 38 है और अन्य के पास 2 है। ये कर्नाटक विधानसभा की पूरी तस्वीर यहां पर सियासी गणित के तौर पर सामने आती है, लेकिन ना बीजेपी पूरी तरह से बहुमत में आ पाई है, ना कांग्रेस पूरी तरह से बहुमत में आ पाई, और जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में तो नजर आती है लेकिन किंग बनती हुई कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती है। और बीएस येदियुरप्पा क्या कुछ कह रहे हैं सीधा रुख यहां पर करेंगे। तो रुख दोबारा से यहां पर करेंगे, लेकिन कर्नाटक विधायक दल की बैठक में पहुंचे बीजेपी के तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षक, प्रकाश जावड़ेकर, जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी विधायक दल की बैठक में पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, कर्नाटक का किंग कौन बनेगा, इसे लेकर पेंच अब भी फंसा हुआ है। जो सियासी गणित है वो यहां पर जरूर जोड़ तोड़ के तौर पर दिखाई दे रहा है। We are going for the election of the leader first, and then things will come. Do you think the government can stay claim, sir? The mandate is the popular mandate. तो कर्नाटक का किंग कौन बनेगा, लगातार इस पर नजर हमारी बनी हुई है। दरअसल कल पहले बीजेपी को जिस तरह से बहुमत मिलता नजर आ रहा था, उसके बाद बीजेपी 104 पर आकर सिमट गई, कांग्रेस 78 पर, जेडीएस 38 पर, और ऐसे में पेंच अब भी फंसा हुआ है।